कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, अवली अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, अवली अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, अवली अल्लाह नूर उपाया। लोग भरम ना भूलो भाई, भरम ना भूलो भाई, लोग भरम ना भूलो भाई, भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक, पूर रे हो सर्ब ठाई, अवली अल्लाह नूर उपाया, अवली अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, अवली अल्लाह नूर उपाया। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कच पोच माटी के भांडे, ना कच पोच कुम्हारे, अवली अल्लाह नूर उपाया, अवली अल्लाह नूर, अवली अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, अवली अल्लाह नूर उपाया। सब में सच्चा इको सोई, तिसका किया सब किच होई, सब में सच्चा इको सोई, तिसका किया सब किच होई, हुक्म पछाने सोए के जाने, चान सोए के जाने, बंदा कहिए सोई, अवली अल्लाह नूर उपाया, अवली अल्लाह,
उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे अवले अल्ले नूर उपाया। ये ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था है। सास ग्रास नाम सिमरन भजन करके मनुख दी सम दृष्टि हो जाती है। जिधर वेखदा उसनु परमेश्वर तो बिना कोई होर नजर ही नहीं आता। ऐसी उच्च पदवी दे मालक बन जाते हैं सिमरन करके कि ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। जिस तरह भगत नामदेव जी नू सिमरन करके सेवा करके सम दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने हर एक विच परमेश्वर दी ज्योत ही समझी, कोई दूसरा पासिया ही नहीं। जिथे वेखदे हन परमेश्वर तो बिना कोई होर नजर ही नहीं आउंदा। प्रसादे पकाए हन, ज्यों आया कुत्ता चुक के प्रसादे लै गया ते मन विच सोचिया उस कूकर विच भी तो मेरे भगवान दी मेरे ईश्वर दी मेरे वाहिगुरु दी जोत है ते ओ मेरे घर प्रसादा छकन आया ते रुखा प्रसादा छके ये किवें हो सकदा। तां एक कौली विच घिओ लै लिया नाल एक बुढ़ा जिहा पा लिया ते भज पए उस कूकर दे मगर भगवान रूखड़ी ना खाओ भगवान रूखड़ी ना खाओ। ज्यों ज्यों भगत नामदेव जी भजदे हन कुत्ते दे मगर ते कुत्ता भी उतनी तेज भजी जांदा है ते जंगल बियाबान विच पहुँच गए नेत्रां तो जल जा रहा है भगवान रूखड़ी ना खाओ। तो प्यारी सात संगत जी वो सम दृष्टि सिमरन दे सदके उस कूकर विच भी भगवान नू ईश्वर नू प्रगट होना पिया दर्शन देने पे। आख्या क्यों भाई तू कूकर विच भी मैनू समझ लिया तू मैनू कूकर समझदा ए निरंकार कूकर कोई तेरे तो वख है। ला कीरी तो ब्रह्मा तक 84 लख जून खंडा ब्रह्मंडा विच जिथे किथे तू ही तो आप बैठे हैं उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ये सम दृष्टि है। कबीर जी ने पूछा सेवका ने महाराज ऐसी सम दृष्टि तुहानू किवें प्राप्त हुई है। ता कबीर जी कहंदे हन प्यारियो पूर्ण गुरु दी प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है और पूर्ण गुरु जो उपदेश देवे उस दी कमाई करनी उस तो भी वध जरूरी है। ते जदों पूर्ण गुरु रामानंद गुसाई जी ने मैनु शुभ उपदेश दिता राम के राम कहो तो फिर मैनु उस जपन दे नाल ए सम दृष्टि प्राप्त होई। अल्लो अलख ना जाई लख्या गुर गुड़ दीना मीठा। गुरु ने नाम रूपी गुड़ जदों मैनु मिठा दे दिता ना वो जदों मैं नाम रूपी गुड़ खा लिया फिर मैनू कोई दूसरा पासिया ही नहीं। सबे घट राम बोले रामा बोले फिर सारी प्रकृति खंडा ब्रह्मंडा दे विच वसन वाले जीव उसका रूप ही मैनू नज़र आउन लगे। इसलिए भाई है तो सारा ही उसकी रचना है ना। साहब कलगीधर पातशाह जी भी तो यही वचन करते हैं मानस की जात सबे एक है पहचान वो ओही है ओही मालक रम्या होया जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। तो ये सब कुदरत ही तो बंदे हैं
ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਨ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ, ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ, ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਸੋਏ ਕਹਿ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋਈ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ, ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਅੱਲੋ ਅਲਖਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਦੀ ਨਾ ਮੀਠਾ, ਅੱਲੋ ਅਲਖਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਦੀ ਨਾ ਮੀਠਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਸੀ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਥਾ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ, ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ।
अवल अल्लह नूर उपाया। ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। अवल अल्लह नूर उपाया, सब में ज्योत ज्योत है सोए। तिस दे चानन सब में चानन होए, तिस दे चानन सब में चानन होए। जले हरी थले हरी, उरे हरी बने हरी, गिरे हरी गुफे हरी, गुफे हरी पुड़ धरती पुड़ पानी। आसन चार कुंट चौबारा, सगल भवन की मूर्त एका। मुख तेरे टकसाला मेरे साहिब, तेरे चोज विदाना मेरे साहिब, तेरे चोज विदाना। जल थल मैयल पार पुर लीना, तू आपे सर्व समाना। कोई थां ऐसी नहीं जिथे तू वस ना रहा हो, मैं कोई जरा कोई जगह ऐसी नहीं जिथे तेरी ज्योत दा निवास ना होवे। पर ए अवस्था किन्हां नूं प्राप्त होंदी है, जिन्हां ने सास ग्रास जपिया श्री वाहेगुरु। सम दृष्टि भाई साहब भाई घनैया जी, जो कलगीधर पातशाह जी दे समय धर्म युद्ध दे विच पानी पिलाउण दी ड्यूटी उन्हां दी लगी कि जल जो जख्मियां नूं छकाउणा है तू छकाना होएगा। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जदों पहली वेरां दर्शन कीते, मन ने यह निश्चय कर लिया कि गुरु धारण करना है तो गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं करांगा, क्योंकि पूर्व जन्म चंगे कर्म होण तां पूरन गुरु रसक बैरागी गुरु दे दर्शन होंदे हन। रसक बैरागी, क्योंकि निरा रसक भी चंगा नहीं ते निरा बैरागी भी किसे काम नहीं। रसक भी होवे ग्रस्त विच रहिंदियां संसार विच विचरदियां माया तो नरलेप होवे, एक चंगा जोगी भी होवे बैरागी भी होवे, ओ निरंकार दे दर ते परवान है। पहली वेरां जदों आप नूं दर्शन होए गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे, ते महाराज अंतर जामी सन, पई पता नहीं कितने जन्मां दी इस बंदे दी तपस्या है कमाई है नाम दी, ते हुण थोड़ा जिहा इम्तिहान लिया गया। साहिबां दी ड्यूटी लग गई कि जाके गागर पानी दी भर लियाउणी है। पानी बहुत दूर सी जिथे आप ठहरे हुए सन, तो गागर भर के जदों भाई घनैया जी लियाए, महाराज सच्चे पातशाह जी ने दो कुछटे अखां ते मारे, बाकी गागर डोल दित्ती ते फिर भेज दिता। ते इतिहास विच लिखिया इसे तरह सारा दिन पानी मंगाउंदे रहे डोलदे रहे, कदे चरणा ते पा लैणा पानी कदे किते ते डोल देनी गागर। पर भाई साहब भाई घनैया जी अके नहीं थके नहीं, महाराज मैं थक गया जां एवें डोली आउंदे हो नहीं। आख्या हो मूर्ख कारे लाया, मेरे मूर्ख नूं जे गुरु ने कम लाया है तां तेरे भाग चंगे हन। क्योंकि महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जानदे सन कि धर्म युद्ध होवेगा,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਬਈ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂ ਓਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਜਲ ਛਕਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਛਕਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਦੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੀ ਦੇ, ਮਾਰੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਖੇਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਈ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ, ਨੈਣ ਡੁੱਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਪਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਓਕ ਕਰਦਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਆ ਮਲਮ 'ਤੇ ਡੱਬੀ, ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਮੇਂ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ, ਉਰਜ ਰਹੋ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅਵਲ ਅੱਲੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਤਰ
सो बाहर अनंत मन तन जाप एक भगवंत। क्योंकि अंदर भी ओई है ते बाहर भी ओई है। आत्मा तो परमात्मा तक मनुख पहुँचता सिमरन करके। भगत नामदेव जी दे मन में एक बार ख्याल आया भाई कितना चंगा होवे जे वाहिगुरु कौड़ी दे देवे, वस्त्र सुका के नाले तो रख के नाले आप बैठ के घर जाया करा। पर प्रभु जी ने सोचा भाई भगत ने घोड़ी का सुख वाला पासा वेख्या, इनू पता नहीं दुख वाला केड़ा पासा है, कितनी सेवा करनी पैंदी है। ते उस मालिक ने मुगल का रूप धारण किया। ते जदों नामदेव दे कोल आया ना उसकी घोड़ी ने बछेरा दे दिता, तो विगारी समझ के नामदेव नू फड़ लिया भाई चल मेरे पिंड जाके इस बछेरे नू छड़ के आ। भगत नामदेव जी रब दे रंग विच रते हुए बछेरा चुक लिया। ते मन विच सोचते हैं भाई प्रभु मेरे ने हासी कीनी, नीचे को मांगी ऊपर को देनी। मंगी तो सी घोड़ा मंगया सी भाई बह के जावांगे, पर चका दिता है। ये भी उदी लीला है। इतने तक मुगल रूप भगवान ने आवाज दी, हले यारा भाई छेती चल यार छेती चल। ते नामदेव जी मन विच सोचन लगे भाई एडा मिठा बोल किसे मुगल का नहीं हो सकता, ये तो आप निरंकार है, ये तो आप ईश्वर है। तो भगत नामदेव जी कहते ने खुशखबरी, हे भगवान राजी खुशी हो, ते द्वारका तो अज इत्थे आना किवें होया है। ओ मुगल रूप भगवान कहन लगे मैं तैनू विगारी समझ के ले आया, तू मैनू कुछ होर ही समझी जाना है। तो भगत नामदेव जी दे मन विच ओ प्यार जागया, अखां भर आईया, अखां तो आंसू जान लगे। ते कहन लगे नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाम, हे निरंकार जे तेरे सोहने दर्शन हो रहे अन्ना ता तेरी विगारी भी चंगी है, इसलिए असी तो तेरे घट घट विच तू आप ही तो रम रहे हैं। जिवें कबीर जी कहंदे हन अवल अलह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अवल अल्लाह नूर उपाया, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया।